ये क्या हो रहा है जो फूल यू शट अप डोंट डिस्टर्ब मी इडियट। क्या 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 इडियट कहा तुमने मुझे? हाँ तो मैंने तुझे इडियट ही कहा है, मैंने तुझे को गाली तो नहीं दे दी कोई, इतना तो लाल पीला हो रहा है। जो कुछ सीखूंगा वही बोलूंगा ना। ये कहाँ से सीख क्या है? वो उसी मोटी मेम के यहाँ से जहाँ तूने मुझे भेजा था आने पाने सामान खरीदने के लिए। वो इसी तरह कुर्सी पे लेटी हुई थी ऐसे करके और मुंह पे टोपी रखी थी। अब मैं जाकर खड़ा हो गया, मैं क्या कहूँ उसको। मैंने टोपी उठाई, मैंने कहा सफेद रंग की बाजी सलाम अलैकुम। तो मुझे कहती है पता शट अप टोपी सिट डाउन। टोपी सिट डाउन हाँ, इसका मतलब ये होता है कि टोपी रख दो। अच्छा। मैंने टोपी रख दी और फिर मैं सोचने लगा कहते हैं इसको क्या करूं। तो फिर मैंने टोपी उठाई, मैंने कहा चिट्टी बाजी सलाम अलैकुम सो रही थी आप। शट अप डोंट डिस्टर्ब मी इडियट। बिल्कुल सही कहा तुझे। शट अप यू मदर फादर। क्या क्या ये भी उसने मुझे कहा? क्या मदर फादर? ये भी उसने कहा। अर्जुन पता है तुझे मदर फादर का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब होता है? माई बाप। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखे चिट्टी बाजी आप हमें माई बाप ना कहें, क्योंकि हम तो खुद आप लोगों की उतरन और इस्तेमाल शुदा चीजें इस्तेमाल करके तो अपनी इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे कहने लगी यू चीफ चीफ। उसके बाद मुझे कहती यू चीफ। और पता नहीं क्या क्या अल्लाह ने मानसिक क्या क्या तुझे बताऊं क्या क्या कहा। तो तुमने सिर्फ अंग्रेजी सीखी या कुछ सामान का भी पता किया? नहीं नहीं मैंने पता किया अल्लाह। वो एक और अंग्रेज है, आज उसका घर उजड़ा है। अच्छा। और उसका सामान जो है ना वो रेवड़ियों के भाव बिक रहा है। अबे रेवड़ियों के नहीं कौड़ियों के भाव आए हूँ जो। हाँ। तो मैंने खरीदा नहीं है उससे। तो तूने खरीदा कुछ? नहीं नहीं मैंने खरीदा नहीं अलन। दरअसल मैं जब उसके पास गया ना। हाँ। तो वो बेचारा प्लाट में लेटा हुआ था, लोगों ने तो उसके बदन से कपड़े भी उतार लिए मान से। प्लाट में लेटा हुआ छोटा सा एक बनियान पहना हुआ था, छोटा सा एक जांगिया पहना हुआ था और मुंह पे इसी तरह का एक चीकू रखा हुआ था। तो मुझे उस पर बड़ा ही तरस आया ईमान से और मुझे शर्म भी पड़ी आई भाई। मगर ये यार गरीब लोग हैं, अब हमारे लोगों ने तो उसके बदन पे कपड़े भी नहीं रहने दिए। बहुत ही गरीब है यार अलन, वो तो हमसे भी ज्यादा गरीब। अबे पाँव में जूती भी नहीं थी। अबे वो लेटा हुआ लॉन में सन बाथ ले रहा होगा। खुद सोच अलन कि उस बेचारे ने किस शौक से एक एक चीज जमा करके अपना घर बनाया होगा है अपने आराम के लिए। लेकिन ये जो अपने भाई बंद है ना, उन्होंने रद्दी के भाव उसका सामान खरीद लिया, उसको लूट लिया है अलन। तो खुद सोच के अब हमारे मुल्क में मेहमानों के साथ ऐसा सलूक होता। अबे तूने कभी ये भी सोचा कि वो अपना सामान क्यों बेच रहा है? तो मैंने सोचा क्या कि भाई मजबूरी है, उसकी नौकरी छूट गई होगी ना। अबे मजबूरी नहीं है यार। हाँ। उसका कॉन्ट्रैक्ट इस मुल्क से खत्म हो गया। हाँ। अब 5 साल में उसने जितना कमाया इस मुल्क से। हाँ। वो जाकर के लाखों और पता नहीं कितने में होगा। वो जाकर के अपना आराम से घर बैठ करके खाएगा। और चल चल बकवास न कर। क्या वो सामान बेच के तो बेचारा अपना वो किराया बना रहा है? तू कह रहा है वो लाखों कमा गया यार अलन। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो अंग्रेज भाईजान ये बहुत बुरी बात है अपने घर का सामान अपना बेचे, ये बहुत ही बुरी बात है। तो पता है क्या कहता है? अंग्रेजी में हंसने लगा। मुझे कहता हो यू स्टूपिड, हो यू मास्टर। क्या मास्टर भी कहा? हाँ। यार मैंने उसे बड़ा समझाया, मैंने कहा देखो अंग्रेज भाईजान घर जो है वो रोज रोज नहीं बनते। हाँ। हमने उनके घर का ठीका ले रखा है कोई। हाँ। भाई हमें तो सिर्फ ये है कि उनका सामान खरीदना है कौड़ियों के भाव और महंगे दाम बेचना है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उनका गला काटने के बाद अपने भाई बंदों का गला काटना तो बेटा रख उसको। तो डिस्पोजल का काम क्या है? उधर का माल इधर ठिकाने लगाना, सस्ता माल खरीदना और उसी सस्ते माल को महंगे दामों बेचना। लोग अहमद के बच्चे हैं ना जो महंगे दामों तुमसे खरीद लेंगे। अबे यार लोग अहमद के बच्चे हैं तो महंगा खरीद के भी समझते हैं कि बहुत ही सस्ता खरीद लिया है। ये कैसे? अब ये देख। क्या ये गिलास देख रहा? हाँ देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान का बना हुआ है। हाँ तो इसमें बताने की क्या जरूरत है? ये तो मैं सब पहचान। हाँ सब पहचानते हैं। हाँ तो फिर ये बिजनेस तो ना हुआ ना, ये तो निरा फ्रॉड हुआ भाईजान। जब फ्रॉड से ही गाहक की तस्कीन हो सकती है तो फिर हम क्या करें?
यार अलन, ये जो अपने मुल्क में इतने बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, इतनी चीजें वहां बनती है, तो ये चीजें क्यों नहीं खरीद सकते? बेटे उसकी बात ये है कि इन चीजों का ऐब है। क्या? उसके पेंदे में लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान। लोगों के? अबे लोगों के नहीं, गिलासों के, बर्तनों के। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? तो ये क्या जरूरी है कि दूसरों के इस्तेमाल शुदा चीजें जो है वो आदमी खुद इस्तेमाल करे, हम इस्तेमाल करें? ये जो रोजाना इश्तेहार इतने छपते हैं कि बी पाकिस्तानी, बाई पाकिस्तान, ये क्यों छपते हैं? बाई क्यों? रीजन बात तो सुन ले, ये सिर्फ जहनीत की बात है और कोई नहीं। उनकी जहनीत ऐसी है, वो चाहते हैं कि विदेशी माल खरीद करके लोगों पर ये ध्वज जमाएं कि हम खालिस मगरबी तर्ज की जिंदगी गुजार रहे हैं। यू आर डूइंग वेरी गुड। तू अगर उनको दोनों हाथों से लूट रहा है ना, तो ईमान से बहुत अच्छा कर रहा है। देख, यू आर वेरी गुड। यस यू इडियट, वेरी गुड यू। ये क्या हो रहा है? औरत आ रही है, औरत। अब घपला मत करना कोई, समझ रहा है ना? तू फिक्र ही ना। हाँ Yes, come on. Speak out, whatever you want. ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं तो पूछ रहा था कि क्या चीज चाहिए। तो उसको इस तरह पूछते हैं? हाँ, यस जी। फरमाइए। कट ग्लासेस हैं आपके पास? किस किस्म के कट? हम वो जिससे गला भी कट सकता है, जुबान भी कट सकती है। ये क्या जी? नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे पास तो हर किस्म के कट होते हैं, मतलब फ्रेंच कट, हिटलर कट। क्या कट लगा रखी है तुमने? वो क्रिस्टल ग्लासेस का पूछ रही है। वो जो हम 63-88 से नहीं लाए थे, वो 12-12 आने में जो लाए। भाई 12-12 आने में कहाँ मिलते हैं क्रिस्टल ग्लासेस? अच्छा, अभी तशरीफ लाइए। आइए आइए। ये 100-100 रुपए के जो गिलास हम उस रोज लाए थे, भूल गए तुम? ये 100 रुपए का गिलास है? अबे ये तो 100 रुपए का बहुत सस्ता मिल रहा था, इसीलिए तो मैंने 6 खरीद लिए। अब कहाँ मिलते हैं ये गिलास? तू झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है ना? 100 रुपए में तो चांदी का गिलास मिल सकता है, जिसमें 7 पुश्ते बैठ के इंसान की पानी पी सकती। उन चांदी के गिलासों की कीमत कुछ नहीं है इन क्रिस्टल गिलासों के सामने, तुम्हें कुछ पता है? नहीं भाई, ये तो सिर्फ उन घरों की जीनत है बेगम साहिबा, जिनका सोसाइटी में कोई मुकाम है, जैसे आप लोग हैं। अब तो घर में लोग हसबो नसब से नहीं, क्रिस्टल ग्लासेस से पहचाने जाते। इनके दाम बताइए। बस जी, ये देखिए 100-100 रुपए का हम लाए थे, तो आप 15-15 रुपए मुनाफा दीजिए। अच्छा अच्छा, कनेक्शन कर रहा है ना? मैं कंसेशन नहीं कर रहा हूँ, 15-15 रुपए मुनाफा मांग रहा हूँ। 115 रुपए का एक गिलास। 115 का एक गिलास? तौबा, 115 का? तुझे पता है 115 रुपए गरीब आदमी की तनख्वाह होती है एक महीने? तो हुआ क्या, हमें उससे क्या बहस है? इधर इधर, आप इनमें पानी पिएगी जी? भाई जी, भाई वो पानी पिए, जूस पिए, लस्सी पिए, उसमें वो सोडा वाटर पी जाए, तुम्हें कैसे? नहीं नहीं, तो हमारे मुल्क का जो गिलास है उससे पीने से क्या जुबान टुकी जाती है? या मुंह से पानी वो चो जाता है नीचे? ये सब ये बातें क्यों कर रहे हैं आप? बांधू मैं कब सर, आपको पसंद? किसको बांधू? मगर मैंने बिल्कुल यही गिलास अपनी सहेली के यहाँ देखे थे। कहाँ? वो तो सिंगापुर से 50 रुपए का लाई थी। 50 रुपए का? जी हाँ। ये? जी बिल्कुल, क्रिस्टल का गिलास? जी हाँ, यही। नहीं 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 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकते जी, ये तो रही अब सिर्फ चंद घरानों में है। मैं उनको नाम दे सकता हूँ आपको? अच्छा, ये उनके पास नहीं हो सकता जी। और फिर सिंगापुर का किराया यहाँ से है कितना, ये भी तो सोचिए ना। तो जब एक चीज आपको यहाँ मिल रही है अपने मुल्क में, बाहर की, तो बाहर के मुल्क में जाने की जरूरत नहीं। नहीं तो अलम, जो सिंगापुर से गिलास आएंगे वो इनकी तरह जूठे तो नहीं ना होंगे? अब पता नहीं अंग्रेजों ने इसमें क्या पिया हो, शरबत पिया हो, जूस पिया हो, लस्सी पी हो, या वो पी हो। वो क्या पी हो? वो जो वो पीते हैं, देखो ना जी, वो तो पीने से तो ये गिलास नापाक हो जाते। अब देखिए ना, अब ये गिलास आप अपने घर ले जाएंगे, इन गिलासों में बच्चे पानी पियेंगे, आप पानी पियेंगी, अब या मेहमानों को पिलाएंगे। अब देखिए ना कि ये चीजें जो है ना, ये सब इसमें पीने की हराम हो जाएंगी, और क्यामत के रोज आपकी जुबान पे गर्म गर्म सीखे लगेंगे। गर्म गर्म सीखे तो आपकी जुबान पर लगनी चाहिए, ये सब फजूल बातें करने की जरूरत क्या? नहीं अलग, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब गुनाह है। अब ये मुसलमान के घरों में ये नापाक गिलास हो तो ये तो बिल्कुल हराम है, इसमें पीना और पिलाना ये सब हराम है। बी पाकिस्तानी एंड बाई पाकिस्तान। क्या क्या? अरे हाँ, वाकई भाई, मैंने तो इस पर गौर ही नहीं किया था। काहे पे जी? नहीं जी, बस ठीक है, रहने दे, मैं सिंगापुर से ही मंगवा लूंगी। क्यों जी? दरअसल मेरे मियाँ अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, आपके मियाँ समग्र है? क्या बक रहे हैं आप? बहुत अच्छा सौदा, बहुत अच्छा सौदा। थैंक यू वेरी मच। देखना अलन, के गाहक की तसल्ली करना तो अपना फर्ज है। हाँ बेटे, बिल्कुल बिल्कुल, ये दुकान तो बहुत चलेगी। हाँ, ये अलन चाय तो चलेगी। क्या खास चलेगी? जब जैसे डुबोने वाले मौजूद हो तो ये दुकान चलेगी। जोर से ना बोले, मेरा दिल धड़कने लगता है।
यार अलग, अगर मैंने कोई गलत बात की तो खुदा कसम इधर ला, ये जूता उतार के मार मेरे सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर सौदा बेचना है कि ग्राहक को नसीहत करके उनको भगाना? बस 115 के हिसाब से वो 6 गिलास कितने के निकलते? 690 रुपए के। 90 रुपए हमारी खरीद है, 600 रुपए का नेट मुनाफा था। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ खुदा के लिए मेरे ऊपर रहम कर, इस दुकान को चलने दे। तेरे ऊपर रहम करूं और ग्राहकों के ऊपर मैं जुल्म करूं, ये नहीं हो सकता। वो उठा क्या चीज? वो चीज उठा, ये मार मेरे सर। मैं सर पर मार करके ये 300 रुपए का तोड़ना है? मार मार मार, तेरे सर से ज्यादा कीमती है ये, मार इसको सर पे। आई किल यू। चलो। यस, कम ऑन, स्पीक आउट व्हाट यू वांट। कोई नया सामान भी आया आपके पास? ये पूछिए कि कोई नया घर उजड़ा है या नहीं। चले, एक ही बात है तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि सुबह 6 बजे, बल्कि 6:30 बजे, 2 घर उजड़े हैं। क्या क्या लाए हैं आप वहां से? बस उनके बदन पर कपड़ों की चंद लीरे रहने दिए, बाकी सब कुछ उठा के ले आए। यहाँ कोई क्रॉकरी व्रॉकरी लाए हो या नहीं? नहीं, कराकुली तो वो पहनती नहीं, इसलिए हम लाए नहीं उसको। कराकुली क्रॉकरी का पूछ रहे हैं? बर्तनों का। किसका? बर्तन, चीनी के बर्तन दिखाओ। हाँ, जो वो बर्तन, सारे जूठे बर्तन वो छोड़ गए, आपने बर्तन मांगने? हाँ, मैंने यहाँ दिखाए। ये देखिए, ये कितने का? अलन बता दू? नहीं, तुम घर जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ दो। गलत बता दोगे? दिखाइए। ये हुजूर आपको हम दे देंगे 1,550 रुपए का। ओ फिटे मुंह तुम्हारा, क्यों क्या बड़ी दुकानदारी करेगा, और मैं तो इससे भी ज्यादा महंगा बताने लगा। भाई अपने आदमी है। 1,550 तो बहुत महंगे हैं। क्यों जी? हाँ जी, महंगा कैसे नहीं होगा, ये कोई पाकिस्तानी कारखाने का तो नहीं बना हुआ, ये तो बाहर के कारखाने का बना हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि इसमें अंग्रेजों ने डिनर किया है, और अगर आप इसमें डिनर करेंगे ना तो आपकी तो ज़हनियत ही बदल जाएगी, आप अपने आप को पाकिस्तानी महसूस ही नहीं कर सकेंगे। साहब इसके सही सही दाम बताएं। चलिए आप ऐसा कीजिए कि 50 रुपए कम दे दे। चलिए 50 कुछ नहीं, कनेक्शन कर रहा है इनको भी। अरे भाई अपने आदमी है, जरा सा कंसेशन कर देना चाहिए। देखिए साहब, 50-50 से बात नहीं बनती जी। एक दाम क्या? 1200। 1200 रुपए इसके? हाँ, इस सेट के जो बाहर 1200 रुपए इस सेट के दे रहे हैं। ये बाहर का सेट है, इस सेट के 1200 दे रहे हैं। चलिए ले लीजिए, पैक करें। हाँ, इसको बंद कर दे, मैं इनको और चीजें दिखाता हूँ। हाँ आइए। पकड़ो। थैंक यू। ले लिए मैंने, पैक करवाओ उसे। हाँ चलो, ये ले, गाड़ी तक छोड़ जाओ। अच्छा आज क्या कर रहे हो? ये गाड़ी तक छोड़ के? ये क्या हा? भाई बर्तनों को गाड़ी तक छोड़ाओ। अच्छा मैंने समझा इनको छोड़ना। आइए, ये पकड़ मेरा असला। एहतियात से शाबाश। एहतियात से शाबाश। एहतियात से अलन, मैं चाय का भी बोला है उसको। क्या चाय का भी बोला है? मुझसे पूछे बगैर? ना तो तुझे पूछने की क्या जरूरत थी, आज तूने मुनाफा थोड़ा कमाया। भाई यार क्या मुनाफा कमा लिया है? क्यों मुझे पता नहीं है क्या? ये जो तूने सेट बेचा दिया, कितने का तूने खरीदा था मुझे पता है? मैं जानता हूँ वो बुढ़े अंग्रेज से तूने 3500 रुपए में खरीदा था। हाँ, और साथ आते हुए वापसी पे उसकी बाल्टी भी उठा लाया था जो तूने वो उस राइटर को बेची थी, ये कह के कि ये बाल्टी विलियम शेक्सपियर की है, वो इसमें स्याही बनाता था और फिर नावल लिखता था। यार याद हो गई। अबे इस किस्म के लोगों की ज़हनियत से फायदा उठाना चाहिए, ऐसे लोग फिर कहाँ मिलेंगे? यार अलग, वैसे ये जो तूने सेट बेचा है ना, ये ऐसा सेट तो हमारे मुल्क में भी बनते तो है। हाँ। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि वो हमारे मुल्क में बनते ना, तो फिर हमारे ये कारखाने वाले इसका इतराज नहीं करते कभी? जब हमारे मुल्क में ऐसी चीजें बनती है तो फिर बाहर से क्यों आती? हमारे कारखाने वाले क्या इतराज करेंगे? हाँ? वो जो डिनर खाते हैं वो डिनर सेट कौन सा होता है? बाहर का होता है वो भी। यार अलन, मैं तो ये सोचता हूँ कि वो वक्त कब आएगा जब हम अपने मुल्क की चीज बनी हुई इस्तेमाल करेंगे और बड़े फख्र से कहा करेंगे
कि ये हमारे मुल्क की चीज बनी हुई। जब ज़हनियत बदल जाएगी हमारी, जब मुल्क में स्मगलिंग खत्म हो जाएगी और जब हम अपने मुल्क से प्यार करने लगेंगे। नहीं, तुम अपने मुल्क से, मैं तो प्यार करता हूँ। तो आप करें, आप बेशक करें, बल्कि आप करते रहिए। हाँ। लेकिन दूसरे शरीफ लोगों को मत टोकिए। हाँ जी। हाफ सर चाय आपका है जी? हाँ जी। और क्या, आपके बाप का है? इधर रख दो, रख दो, रख दो। भाई नन्ने, सेल बहुत उमदा जा रही है, खुदा की कसम आज तबीयत मेरी बहुत खुश है। तू साहब, कोई एंटीक चीज होगी आपके पास? यहाँ हर चीज ठीक है। अरे भाई, एंटीक पूछ रहे हैं? वो क्या मतलब है? कदीमी तहजीब की चीजें कुछ? पुरानी चीज? पुरानी चीज। हाँ हाँ है, है। दिखाओ इनको। शाबाश, जाइए देखिए। आ जाइए। ये देखिए एंटीक। ये एंटीक है? नहीं नहीं, ये एंटीक नहीं है। ये जो इसमें आपको नजर आ रही है ना, ये एंटीक है। ये क्या कर रहे हो जनाब? आपको ज़हमत ना हो, आप खुद ही अपनी पसंद की चीज ढूंढ लीजिए। नहीं पहले उसके ज्यादा करीब ना जाइए, कोई चीज निकल के काट लेगी आपको। मर गया। तो इस पे हंसने की क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं, आप उनकी परवाह ना करें। उनकी परवाह ना करें। देखिए आप फिर हंस रहे हैं। लेकिन मुझे फिर हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी। आपको ये चीज पसंद आई? अच्छा साहब, आप ये बताएं कि ये कहां की? कंटीन की। भाई मुल्क का नाम तो सही बताया करो। ये सर कैंटन की है। कैंटन की होगी। क्यों हंस रहे हैं? क्या इसको है? धो तो ले, साफ तो कर ले, जूठी है। ये एंटीक है, इसको धोते और साफ नहीं करते, ना इनको पॉलिश करते। ये जिस तरह की है उसी तरह रखते, आपको तो पता है। अच्छा साहब, ये बताइए कि ये कितने की है? ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर साहब तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने इसकी तहकीक करने के बाद अंदाजा ये लगाया कि ये 3,500 साल पुरानी है। तो ये है, वो उन्होंने इसकी कीमत लगाई थी 350 रुपए। जी हाँ, लेकिन हमने उनको नहीं दिया। नहीं दिया जी? नहीं। ये आपने अच्छा किया। तो अब आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे? अब तो ये 5.5 तक जा चुकी है इसकी कीमत। हमसे क्या लगा? आपसे 5.5 ही लगाएंगे आप। तो कुछ कम नहीं कीजिए? जी नहीं, हमने जब उनको कम नहीं किया तो आपको कैसे? देखिए ये बहुत नादर चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए, बहुत बड़े नादर नमूने हैं। या बहुत ही नादर चीज है ये। तो क्या लगाइएगा? ठीक ठीक, मैं आपसे 5 ले लूंगा। 500 कम नहीं कीजिएगा? इससे कम नहीं करते। और चाय तो पी ले। असल में आपको इसकी पहचान हुई है? ये तो आपकी इनायत है। आप बहुत बड़े एंटीक कलेक्टर। ये लीजिए 5 ही लीजिए। कौन सा कलेक्टर है? एंटीक कलेक्टर है ये शख्स। कुछ यहाँ माइंड न कीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। घर पे जाएगा ना,
घर में जाएगा इसकी बीवी इसको मारेगी। अबे इतना मत हंस, इतना हंसना अच्छा नहीं होता, बहुत रोएगा। रोएगा रोएगा तो तू। मैं क्यों रोऊंगा, जब कंटीन वाला आके तुझसे पैसे मांगेगा तो मेरी चैन का। हाँ तो उसे पैसे ये दे देना 10 रुपए, ये लो, उससे कहना कि वो टूट गई। टूट गई ये पकड़, ठीक है ले मैं जा रहा हूँ जरा उस कोठी तक। कौन सी कोठी? वो तूने वो क्या कौन सी कोठी बताई थी जहाँ वो नहर जो वो, हाँ नहर वाली जो वो सन बात ले रहा था। नहीं नहीं मैं तेरे साथ चलूंगा अलग। नहीं नहीं तुमने कहा जाना, तुमने दुकान पर बैठना। नहीं नहीं अलग नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा उधर, फिर मेरे साथ कैसे चलोगे? मुझे कोई गलती हो जाती फिर। भाई गलती कैसे हो जाएगी, तुमने सारा काम सीख लिया है, अब तो तुम अच्छा कर रहे हो। नहीं नहीं मैं अच्छा नहीं कर रहा, मैं तो फिर गलती अगर सीख लिया तो फिर गलती कैसे होगी? नहीं बेटे नहीं, तुमको यहीं बैठना है, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ नहीं मैं बकवास मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। शाबाश, ये चाय भी ले जा फिर साथ। चोर उचक्के गिराकट बदमाश। क्या हुआ जी, क्या हुआ? ये तुमने बाहर का माल बेचा है? आवाज करते हो तुम? ये पाकिस्तानी है। जब दूसरे मुल्कों से अमरीकी और अंग्रेज हमारे मुल्क में आकर हमारे मुल्क की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं तो बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग जो इस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क की चीजें इस्तेमाल नहीं करते। नंगा नंगा शेम शेम नंगा बदमाश, बंद करो। इतने गुस्से से तो मैं कभी नहीं आऊंगा, प्यार से बुलाया तो हो सकता है मैं एक दो दफा आ भी जाऊं। इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आओ। लीजिए चाचा जान जी। कैसे पाकिस्तानी? और ये कैसे? खालस पाकिस्तानी। और चाहिए? और मारिए, पाकिस्तान की तो कोई भी चीज जो भी है वो मुझे प्यारी है, चाहे वो मार ही क्यों ना, मारिए मारिए। लेकिन कभी अपने मुल्क से प्यार करके देखिए, कभी अपने मुल्क की बनी हुई चीजों से प्यार करके देखिए। बी पाकिस्तानी एंड बाई पाकिस्तानी। राइट, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, ऐसे नहीं, इधर देखो, मुस्कुराओ। ये भी बाहर का है।